मुझे इसने छोड़ दिया, मुझे उसने छोड़ दिया, मुझे इसने धोखा दिया, वो इंसान हमेशा मेरे साथ नहीं रहता है, मैं अकेले कैसे खुश रहूं, मैं अकेले कैसे खुश रह सकता हूं। सो हे गाइस, मैं हूं श्रावण और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अकेले खुश कैसे रहे। गाइस, सबसे पहले ना एक चीज़ समझ लो, जब तक हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, जब वो इंसान हमारी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है, जब वो हमें कहता है कि आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, तब भी हमें प्रॉब्लम होती है और हम सोचते हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए। लेकिन जैसे ही हमें फ्रीडम मिलती है, हमें तब भी प्रॉब्लम होती है। यानी प्रॉब्लम दोनों तरफ है, जब आपको पूरी तरह फ्रीडम मिलती है तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि तब आप सोचते हो कि यार मेरे लाइफ में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन जब कोई दूसरा आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। यानी प्रॉब्लम दोनों साइड है, तब भी है जब आप अकेले हो, तब भी है जब आप किसी के साथ हो। लेकिन एक चीज समझ लो, आप 24 घंटे या आप जिंदगी भर किसी के साथ नहीं रह सकते। एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि जिंदगी जीना उस इंसान ने सीख लिया जिसने अकेले खुश रहना सीख लिया। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे दूर हो जाओ, आप सबको अपनी जिंदगी से निकाल दो। अकेले होने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान आपके साथ नहीं है, तब भी आप उस इंसान के बिना खुश हो। यानी आपको ये तो गलती नहीं करनी है, फ्रेंड्स को अवॉइड नहीं करना, यार मुझे अकेला खुश रहना है, इसका मतलब कि मैं किसी को अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा, ऐसे नहीं। आपको अकेले आप जब हो जाते हो, जब आपके साथ कोई नहीं होता, आपको तब भी खुश रहना है। याद रखना, आपको जब आप अकेले होते हो, तब आपके पास पूरी फ्रीडम होती है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, जिससे चाहे उससे बात कर सकते हो। यानी आपकी लाइफ का पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। कई लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप सोचो कि आपके लाइफ की पूरी फ्रीडम आपके पास है, जो चाहे वो कर सकते हो, जिससे बात चाहे वो उससे बात कर सकते हो। कितनी खूबसूरत बात है ये। दूसरी चीज़ ना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूसरों के लाइफ को कंट्रोल करना बंद कर दो। जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता, हम बहुत अलोन फील करते हैं, तो ना हम दूसरों के लाइफ को देखना स्टार्ट करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में झांकना चालू कर देते हैं कि यार इसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। इससे आप अकेले खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आप भले ही तब अकेले हो, लेकिन आपका माइंड किसी और तरफ जा रहा है, किसी और बारे में सोच रहा है। आपको दूसरों के लाइफ में झांकना बंद कर दो। दूसरों के लाइफ में जब तक झांकोगे, तब तक आप अकेले खुश नहीं रह सकते। अगर आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में अकेले खुश रहो, तो दूसरों के लाइफ को कंट्रोल करना बंद कर दो, दूसरों के लाइफ में झांकना बंद कर दो। अकेले खुश कैसे रहे, इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। जब भी आप अकेले होते हो, तब आपको खुद को ही समझना होता है, किसी और इंसान को नहीं। जब आप दूसरों के साथ होते हो, तब आपको ज़्यादा टाइम उस इंसान को समझने में देना होता है। लेकिन जब आप अकेले होते हो, तब आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई दूसरा इंसान नहीं होता। यानी अभी आपके पास पूरा टाइम है कि आप खुद को समझो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप अपने लाइफ को और कैसे बेहतर बना सकते हो, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो। आपको यहाँ पे खुद को समझना है। अगर आप नाराज़ भी हो, तो आपको यहाँ पे खुद को मनाना है, किसी और इंसान को नहीं। अगर आप दुखी हो, तो खुद से पूछो कि इस दुखी होने की वजह क्या है, और फिर उस वजह को ख़त्म करो। हमेशा याद रखना, आप 24 घंटे या जिंदगी भर किसी इंसान के साथ नहीं रह सकते। आपको अकेले खुश कैसे रहना है, ये सीखना ही होगा। इसलिए दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद कर दो और अपने लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर फोकस करो, क्योंकि वो काफी ज्यादा जरूरी है। खुद को समझो कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको खुशी कब मिलती है, ऐसा कौन सा काम है जब आप करते हो तो आपको खुशी मिलती है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझना स्टार्ट करो, तब जाके आप अलोन रहकर भी खुश रह सकते हो। अगर
आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।